चलो चालू कर दे चालू कर दी बता देता है करना चाहिए। हमारा क्या है आज का जो चैप्टर वो है टेंस। हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस मतलब क्या होता है? काल। और काल मतलब क्या होता है? वो समय जो बीतता है या बीत रहा है, ठीक है ना, जो कि काहे का मापदंड होता है। कोई भी जब क्रिया की जाती है तो किस पर की जाती है? समय पे की जाती है, ठीक है ना। और समय के आधार पर उसको तीन भागों में बांटा गया है, अलग अलग तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है? पहला है वर्तमान काल। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तीन। पहला है वर्तमान काल। इस काल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। इसके बाद दूसरा जो टेंस आता है उसको क्या बोलते हैं हम? भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। अब भूत मतलब क्या होता है? बीता हुआ काल, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो टेंस आता है उसको क्या बोलते हैं हम? भविष्यकाल। क्या बोलते हैं? भविष्यकाल। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब जैसे देखो ये वर्तमान काल है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। कैसे एग्जांपल लेंगे? मैं पढ़ रहा हूं। तो देखो यहाँ पे जो पढ़ रहा हूँ आया है ये वर्तमान को इंगित करता है, अर्थात हूँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये वर्तमान में चलने वाला काम है, ठीक है ना। इसके बाद हम भूतकाल की बात करें तो मैं पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। तो ये जो था है इससे क्या होता है कि हमने जो काम किया था वो बीते हुए वक्त में किया था, ठीक। इसके बाद तीसरा जो है भविष्यकाल। भविष्य मतलब आने वाले समय में किया जाने वाला काम, ठीक है। तो इसको हम कैसे लेते हैं कि मैं कल पढ़ूंगा। क्या करूंगा? पढ़ूंगा। देखो इसमें ये जो वर्तमान काल है इसकी जो पहचान है वो हा से होती है। अगर हा आया मतलब ये वर्तमान काल है, यदि था आया है तो था है, थी है, थी है, तो इसका मतलब क्या है? ये भूतकाल। और यदि लास्ट में क्या आया वो? गा के गी, तो इसका मतलब क्या है? ये भविष्यकाल है। टच कर दीजिए।